आज का विषय है, क्या है ओशो, कौन है ओशो। हम संक्षिप्त में जानेंगे, विस्तार तो बहुत बड़ा है। ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने ध्यान की अति महत्वपूर्ण विद्या दी, बहुत उस पर काम किया, बहुत मेहनत ली, बहुत रिसर्च किया और उसके रिजल्ट भी देखे। मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा काम केवल गोरखनाथ ने किया था। गोरखनाथ ने बहुत विद्या खोजी थी और बहुत काम किया था। ओशो के चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ओशो ने ध्यान की कई विधियों को बताया, सिखाया था, उसके साथ संगीत को जोड़कर साथ ही साथ ध्यान की शक्ति का एहसास करवाया। ओशो ने सिखाया हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, जीवन जीने की कला क्या है और ध्यान को कैसे किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है और संसार में जीते हुए, संसार में रहते हुए, सब काम करते हुए ध्यान को किस तरह से किया जा सकता है। इतना सरल बना दिया है ध्यान को जीवन के साथ, संसार के साथ जोड़कर। इन सब के बारे में ओशो ने अपने विचारों को विस्तार से बताया है अपने प्रवचनों के माध्यम से। 1000 के आसपास बुक्स के रचयिता, अनेक भाषाओं में, 35 के ऊपर की भाषाओं में उनके प्रवचनों का ट्रांसलेशन, ओशो की बड़े बड़े मंचों पर राजनेताओं द्वारा, पंडित पुरोहितों द्वारा, व्यक्तिगत, सामूहिक, हर जगह निंदा हुई। लेकिन ओशो के खुले विचारों के कारण ओशो को लाखों शिष्य भी मिले, जिसमें शुरू के दौर में सबसे बड़ा योगदान विदेशियों का था, जो लाखों की तादाद में तब आ रहे थे। ओशो ने 19 जनवरी 1990 में अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद 30-32 साल बाद आज भी उनका साहित्य, उनके प्रवचन हजारों साधकों को, हजारों लोगों को मार्गदर्शन कर रहा है। ओशो आज भी साहित्य के माध्यम से, ध्यान विधियों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, ओशो साधकों के माध्यम से जीवित है। ओशो आज भी जीवित है, यह प्रमाण है। ओशो दुनिया के महान विचारकों में से एक माने जाते हैं। दुनिया में सर्वे जो किया जाता है तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स में ओशो का नाम है। सबसे ज़्यादा बुक्स ओशो की सेल होती है। आज भी ओशो ने अपने प्रवचनों में वैज्ञानिक ढंग से नई सोच वाली बातें कही। ओशो की बातों में गहरा आध्यात्मिक तथा धर्म के संबंधों में अर्थ होता है। ओशो की बातें साधारण होती है, जो आसानी से समझाते हैं। गहरी से गहरी बात को भी जोक्स और कहानियों के माध्यम से हंसते खेलते लोगों के बीच, लोगों के दिमाग में अपनी बात को रखते हैं, ध्यान की गहराई को रखते हैं, अध्यात्म की ऊंचाई को रखते हैं, ताकि मनुष्य आसानी से इसमें प्रवेश कर सके, आसानी से इसको समझ सके। मुश्किल अध्यात्म हो या कठिन से कठिन या परंपरागत या वैज्ञानिक ढंग से
धर्म संबंधी चिंतन को ओशो सरल शब्दों में समझाते हैं। यही ओशो की खासियत है, सरलता और सहजता, हंसता खेलता धर्म। ओशो कहते हैं धर्म हंसता खेलता हो, सन्यासी नाचता गाता हो और इसी के साथ ध्यान को उपलब्ध हो।